नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का वीडियो का टॉपिक है मकर राशि वाले दिसंबर महीने में आपका पूरा का पूरा राशिफल कैसा रहने वाला है। जी हां दर्शकों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस राशिफल के बीच में मैं आपको आपके मस्तिष्क से लेकर के संपत्ति, धन, व्यय यानी संतान, सुख, शिक्षा सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। साथ में आपको बीच में यह भी बताऊंगा कौन सा समय आपके लिए कितने दिनों के बाद शुभ होगा, और अगर अशुभ भी है तो आपको उसका क्या उपाय करना चाहिए, और अगर शुभ है तो कब तक आप किस काम को कर लें। चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मकर राशि वाले आपकी मनोवृत्ति कैसी रहने वाली है। बहुत ज्यादा बेचैन रहेंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, आप गलत निर्णय लेंगे, लोगों से आपका मतभेद हो जाएगा, बिना मतलब का लोग आपको आरोपी बना देंगे यानी सम्मान में कमी हो जाएगा। कम बोले, शांत रहे आपके लिए बेहतर है, यही आपके लिए हर मामले में अच्छा रहने वाला है। अगर मकर राशि वाले आपकी बात करता हूं मैं मित्रों की और लव रिलेशनशिप की, तो मित्रों से आपका काफी मतभेद रहेगा, जिस कारण से जो है काफी दोस्त आपके छूट जाएंगे। लव रिलेशनशिप की जहां तक मैं बात करता हूं तो आपको लव रिलेशनशिप में 100% धोखा मिल जाएगा, जिस कारण आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी रहेंगे। यानी मित्रों से और लव रिलेशनशिप को आप बचाए रखें तो बेहतर है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे पास खुद झुक करके कोई आएगा, तो शायद आप इस महीने हार जाएंगे। मैं बात करता हूं भाई बहनों की स्थिति कैसी रहेगी और रिश्तेदारों से आपको क्या सुखों की प्राप्ति होने वाली है। तो छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, हर मामले में जो है आपको सपोर्ट ही मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूं संपत्ति के बारे में, अगर मैं बात करता हूं माता सुख के बारे में, और अगर मैं बात करता हूं उन लोगों का जो पॉलिटिक्स में है, जिनका दिसंबर महीने में पॉलिटिक्स से करियर जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला माँ का स्वास्थ्य जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। माँ से आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। जो बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्ट का काम जो आप कर रहे हैं, आप लोगों को जमीन लीज पे मिल जाएगा, या बिल्डिंग बनाने के लिए या जमीन खरीद के बेचने के लिए आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाएगी। बात करता हूं जो नेता है पॉलिटिक्स में है, इस महीने आपका बहुत सुपर रहने वाला है। क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, एक बात मैं निश्चित तौर पे बोलूंगा कि अगर आपको पॉलिटिक्स में करियर तो बन रहा है लेकिन आप सोच रहे हैं कहीं से इनकम की प्राप्ति करने की, तो 25 दिसंबर के बाद आपको जबरदस्त जो है पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा और साथ में जो है आपको धन की भी वर्षा होगी। अब मैं बात करता हूं शिक्षा, साथ में बात करूंगा जो महिलाएं संतान सुख को इच्छुक हैं, और मैं बात करूंगा जो शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, जुआ में, सट्टा में पैसा लगाते हैं। आपकी मैं बात करता हूं तो संतान सुख जो महिलाएं प्राप्त करना चाहती हैं, इस महीने आपको जो है बहुत ही बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चों की शिक्षा जो है ओवरऑल ठीक ठाक रहने वाली है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही बेटर रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है। शेयर मार्केट वाले, आपका तो इस समय नौका ही डूबने वाली है, पैसा दिसंबर में नहीं लगाएं, टोटली आपका लॉस हो जाएगा, और जब लॉस हो जाएगा तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं, एस्ट्रोलॉजी एक ब्रेन को जो है कंट्रोल करता है, यानी जो रेह हमारे पृथ्वी पे सभी ग्रहों से आता है उस रेह पे ही आपका ब्रेन काम करता है। इसीलिए अगर आप शिक्षा के बारे में बात करता हूं, संतान के बारे में बात करता हूं, और शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं, तो ये इन सभी चीजों में आपका सुधार जो है 15 दिसंबर के बाद आ जाएगा। 15 दिसंबर तक जो है आप पैसे ना लगाएं, शिक्षा में बाधाएं हो रही हैं तो बच्चों को ना पीटे, शांत रहें, और अगर गर्भ निर्धारण में दिक्कत हो रहा है तो पेशेंस रखें। चलिए बात करता हूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य जो है आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर में दर्द की थोड़ी समस्या और नेत्र, जिनका पहले से जो नेत्र रोगी है, आप लोगों को बहुत जबरदस्त कष्ट होगा, लेकिन 15 दिसंबर के बाद थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा पेट दर्द से। लेकिन सिर दर्द और पैरों में कष्ट वाले को बहुत ज्यादा तो बढ़िया नहीं होने वाला है, फिर भी अभी जो कष्ट है उससे आप बेटर फील करेंगे।
शत्रु की बात करता हूं तो शत्रु इस महीने आपका कुछ भी करने वाला नहीं है। बिंदास होकर किसी काम को करें, कोई भी केस मुकदमा से रिलेटेड या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड आप केस लड़ना चाहते हैं, आराम से लड़े, आपकी विजय होगी। थोड़े पैसे खर्च होंगे पर कोई बात नहीं, विजय आपकी होने वाली है। बात करता हूं दाम्पत्य जीवन की, साथ में मैं उन लोगों की बात करूंगा जो विवाह के प्रयास रद्द हैं। तो इस महीने आपका जो है विवाह ऑलमोस्ट सेट होने का चांसेस 95% है। दाम्पत्य जीवन भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है, व्यापार भी आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ में जो व्यक्ति नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, जिनको कैंपस सिलेक्शन होने वाला है या नया नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो 100% जो है आपको नौकरी लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कैंपस सिलेक्शन बैठ गए हैं और बहुत बढ़िया अगर आपको नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं आया है, तो 15 दिसंबर तक आप बहुत अच्छी कंपनी नहीं आ रही है तो आप बैठे ही ना। 15 दिसंबर के बाद ग्रह का योग बहुत ही प्रबल हो जाएगा और साथ में जो है आपको बढ़िया कैंपस मिलेगा। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं कर सकते हैं। पिता से भी आपको अच्छा सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका जो है पूर्णता साथ देगा, यही तो है कि आपका भाग्य मकर राशि वाला साथ दे रहा है। इसीलिए बस अपने ब्रेन को कंट्रोल रखें, ब्रेन को कंट्रोल रखेंगे सब ठीक हो जाएगा। विदेश यात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले कोई दिक्कत नहीं है, जम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए, लाभ की प्राप्ति होगी। 15 दिसंबर तक कुछ पैसे फंसेंगे, 15 दिसंबर के बाद फंसे हुए पैसे वापस निकल जाएंगे। लेकिन कोई पॉलिटिक्स नहीं करे, कोई गलती ना करे, किसी को नुकसान ना दे, नहीं तो आपको जो है केस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी आप किसी से छल ना करें इस महीने तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्ज वाले की बात करता हूं तो जो कर्जदार है इस महीने आपको 15 दिसंबर के बाद कुछ कर्ज में कमी आएगी और 16 दिसंबर के बाद इनकम का सोर्स थोड़ा डाउन हो जाएगा। यानी 15 दिसंबर तक कर्ज में कमी आएगी, 16 दिसंबर तक इनकम की स्थिति डाउन हो जाएगा। यानी कर्ज समाप्त नहीं होने वाला है, थोड़ा मोड़ा कमी आने वाला है। यानी प्रयास करें आप या तो 15 दिसंबर से पहले थोड़ा कर्ज को समाप्त कर दे, और नहीं तो फिर इस महीने आप शांत रहे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। चलिए बात करता हूं लास्ट में उपाय की कि क्या करनी चाहिए। पूरे महीने आपको क्या करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद मछली को आटे का दाना बना करके पूरे महीने नदी तालाब में मछलियों को खिलाए, आपको बेनिफिट होगा। हालांकि ये उपाय अगर दोपहर में करते हैं यानी 12 से 4 के बीच में, तो आपको इसका ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं क्योंकि 16 दिसंबर के बाद फिर जो है आप रविवार के दिन नॉनवेज बंद कर दें, और रविवार का नहीं होता है तो 2 उपवास आप कम से कम कर लें तो बेहतर रहेगा। जो इनकम का सोर्सेस बंद होने वाला है वो प्रारंभ हो जाएगा। व्हाइट वस्त्र का प्रयोग आप जो है 16 दिसंबर के बाद ज्यादा करें, और उससे पहले आप लाल वस्त्र का प्रयोग ज्यादा करें। मन को कंट्रोल रखें, पेशेंस रखें, और नहीं तो आरोप में फंस जाएंगे, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं मकर राशि वाले, बहुत जल्द मैं जनवरी महीने का आपके लिए राशिफल लेकर के आने वाला हूं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड अगर आप मेरे से कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जिंदगी के सितारों को दिखा सकते हैं। आज आता हूं आपसे पुनः इजाजत लेने के लिए, फिर आऊंगा आपके पास और ही अच्छी वीडियो लेकर के। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, दर्शकों नमस्कार।